आ गया रैपिड आ गया। आज की वीडियो है पापा अंजुम पर। आज हम उसकी जिंदगी में से कीड़े निकालेंगे। वैसे तो कीड़ा कहीं और होता है, लेकिन हम उसकी जिंदगी में से निकालेंगे। क्या माचोद रहा है सच्ची में? और जिन्हें नहीं पता इन्हें बता दूं कि यंगस्टर्स कराची में रहते हैं, उस कराची में जहां मोटरसाइकिल लॉक करने के बाद भी एक बड़ा ताला लगाया जाता है, चोर स्विच भी लगाया जाता है और मोटरसाइकिल फिर भी चोरी हो जाती है। इनका कोई भी रैप उठा लो। नहीं नहीं, उस तरह उठाने का नहीं बोला जिस तरह अंजुम जोनेलिया की शायरी उठाता है। मेरा मतलब है कि इनका कोई भी ट्रैक सुन लो, उसमें आपको सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, एक तो बदमाशी और दूसरा कुछ भी नहीं। नहीं, इन दोनों की सेहत चेक करो और इनकी बातें सुनो। कल फिर खुफिया जगह पे उससे मिलकर उसको समझाया मैंने छोड़ जानी चिल कर, पर वो शूट टू किल मोड में बारा बोर मफक यंग स्टैंडर्ड डोर में। नहीं, इनकी कोई भी बात इनकी सेहत से मैच हो रही है? नहीं। अगर इन दोनों को इकट्ठा भी खड़ा कर लिया जाए तो 250 मिलीलीटर वाला टीका इनसे तगड़ा लगेगा और बातें ऐसे चोटते हैं जैसे रहाइश डंडी खाने में हो। ये बढ़िया था गुरु। शाकाहारी में इन रैपर्स पे भारी मैं। हाँ, उन रैपर्स पर भारी तू। दो रोजे रखवा कर तेरा वजन किया गया तो टोटल 70 ग्राम निकलना है। ब्रायलर मुर्गा भी तुझसे तगड़ा होता है, एड्डा तू भारी। देखो यार, रैप सुनने का सबका अपना अलग नजरिया है। किसी को बीट अच्छी लगती है तो किसी को लिरिक्स अच्छे लगते हैं और किसी को फ्लो, लेकिन मुझे पसंद है लॉजिक, जो कि यंगस्टर्स में नहीं है। ये रैपर सोल्ड आउट है, ये रैपर ऑन सेल नहीं। अभी ये रैपर ऑन सेल नहीं है, हालांकि कोई 32 गाने गा दिए हैं कोक स्टूडियो के लिए और साथ ही साथ ये अंडरग्राउंड भी हैं, वो भी अपनी मर्जी से। यंगस्टर अंडरग्राउंड अपनी मर्जी से। रुको जरा, सबर करो। हमारे साथ रामिस अली मौजूद हैं, तलहा अंजुम मौजूद हैं, तलहा यूनुस बात कर रहे हैं हमसे। अंडरग्राउंड ये रैपर सोल्ड आउट है, ये रैपर ऑन सेल नहीं। और इसके ऑन सेल ना होने से मुझे याद आया कि एक आध गाना तो इसने किसी टट्टी गेम के लिए भी गाया था। नहीं नहीं, पबजी की बात नहीं कर रहा, उससे ज्यादा भी टट्टी कुछ है। रैपर को जब पैसा बोले रैप कर, रैपर बोले पैसों को के आज मूड नहीं। चला जा भोसड़ी के, तेरी कुड़ी ने यहाँ जा चढ़ जाती है। 3 weeks later पैसे 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 नहीं है, पैसे तो नहीं है। हम नहीं देंगे, भूल जाओ घोड़ा का। देखो यार, अगर तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी को भी देखते हो सुनते हो और वो ये कहता है कि वो ये सब अपनी ऑडियंस के लिए कर रहा है, उसे कुछ नहीं चाहिए बदले में, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि या तो उस बंदे को पैसा चाहिए या फिर फेम, और मुझे दोनों ही चाहिए। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। यंग स्टर्नर्स के बारे में मशहूर है कि तलहा अंजुम के लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं और तलहा अंजुम का फ्लो, देखो इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी नवाज शरीफ की बीमारियों वाली रिपोर्ट में थी, मतलब जीरो। और मैं भी ये क्या बार बार अंजुम कहे जा रहा हूँ जैसे वो मेरा छोटा भाई हो, इसलिए अब से उसका पूरा नाम लेंगे, तलहा अंजुम एलिया। बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, बहुत यार। देखो, यंगस्टर्स पर वीडियो हो और इस टॉपिक पर बात ना हो, जनता माफ नहीं करेगी। पर अगर इस टॉपिक पर मैंने बात कर दी तो फिर यंगस्टर्स वाली जनता मुझे माफ नहीं करेगी। बस हवा निकल गई। बहुत सब कुछ ऐसा चल रहा था, तुमने मेरा मूड बहुत फक किया है। इफ यू वांट टू डू दिस अगेन ब्रो, अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है ना, तो यहां पे आके कर। इस सीन से तो आप वाकिफ ही होंगे कि जब रिसेंटली किसी ने अंजुम पर खाली बोतल फेंकी थी और पापा अंजुम गुस्से में आ गए थे, मेरे तो शॉट हो रहे थे कि अगर वो सच में सामने आ जाता तो फिर सिक्योरिटी को तो पहले ही इसने मना कर दिया। दिस सिक्योरिटी एवरीथिंग, मैं इनको नहीं जानता, मैं तुझे खुद निपट लूंगा। और वैसे जिसने बोतल फेंकी थी, मेरे ख्याल से वो अंजुम को ये बताना चाहता था कि भरावा कुछ खाया पिया कर, ये बोतल तुझसे तगड़ी लग रही है। पर अंजुम पापा गुस्सा कर गए, हालांकि लोगों ने इस पर इतने डिस्ट्रैक्ट बनाए, उस पर गुस्सा नहीं आया। एक गरीब बेचारी बेसहारा बोतल पर बम बनकर फट गया, पता नहीं बोतल गोर में की थी। डूबा क्या खूंखार बंदूक पर या मुंह पर, तू भूखा तेरी मौत मेरे सर पर, तू चीनी तूने डूबा करे भूख जैसे सूटा, वो तारा जो नहीं टूटा है पॉप मेरी माशूका। आहो, हिप हॉप इनकी मशूका है, तभी रोज चोकते हैं उसे।
वैसे आप सभी हैरान होंगे कि यंगस्टर्स पर वीडियो है और ज्यादातर बातें तल्हा अंजुम की ही की गई है। देखो यार, तल्हा यूनुस को रोस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसको तो रोस्ट एक लफ्ज़ से भी किया जा सकता है। चर्सी बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे पता है कि डिस्क्लेमर शुरू में देना चाहिए था, लेकिन अभी एंड पर दे रहा हूँ कि वीडियो सिर्फ फन के लिए थी, तो एज अ फन ही ले, वरना मेरा गाली बकेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।